इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातीपुरा निवासी कौशल्या देवी ने मुकदमा दर्ज करवाया। बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। डीसीपी ईस्ट को शिकायत करने के बाद बजाज नगर थाने में केस दर्ज। चौकसो स्थित 38 लाख की जमीन खुद के नाम करने पर यह आरोप है। जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से विधायक द्वारा अपने नाम करने के आरोप है। महिला के आरोप और उसके पति को गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर बुलाया था। पुलिस ने सोलंकी समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में दे पाएंगे सहयोगी आशुतोष शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष, क्या पूरा मामला और क्या आरोप यहाँ पर लगे हैं? जो शिकायत दी है बजाज नगर थाने में, उसमें कहा गया है कि राजस्व रिकॉर्ड जो होता है उसमें उसके नाम एक गांव भूटिया के अंदर जो कि चाकसु तहसील के अंदर आता है, वहां उसकी भूमि है। उसने मीनावाला गृह निर्माण समिति सहकारी समिति जो उसको 2013 में बेची थी, जिसके लिए रजिस्ट्री होनी थी और उसने नाम मेंशन किए हैं जितेश अग्रवाल के और इकरारनामा होना था 100 रुपए के स्थान पे। और इसके बाद शिकायत में ये लिखा गया है कि इस रजिस्ट्री के नाम पे चाकसू से कुछ लोग उसको गांधीनगर स्थित जो विधायक का आवास है वहां लेकर आए और फिर ये जो रजिस्ट्री थी वो विधायक के नाम पर करवा ली गई और इसके पेटे में जो भुगतान होना था वो भुगतान भी महिला को नहीं किया गया है। इस पूरे मामले में धारा 420, 406, 120 बी, एक तो धोखाधड़ी करना और आपराधिक षड्यंत्र रचना, उसके तहत आपराधिक मामला बजाज नगर में दर्ज किया गया है और बजाज नगर थाना पुलिस की तरफ से विधायक जो है सचिन पायलट धड़े के नाम से आते हैं उनके खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। ये शिकायत कौशल्या देवी नाम की महिला ने जो शिकायत दी उसके नाम पर की गई है। ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। उधर नारेबाजी और